7 दिसंबर 1970 को पाकिस्तान के पहले पार्लिमानी इंतखाबात मुनाकिद हुए थे, जिनके बुनियाद पर 1973 का पहला मुतफिक आईन वजूद में आया और इसके रोशनी में ईवान बाला सीनेट का क़याम भी अमल में लाया गया। इस तारीखी हसीयत के पेश नज़र इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 2012 से ये फैसला किया कि हर साल 7 दिसंबर को कौमी वोटर डे जो है मनाया जाएगा, ताकि लोगों को वोट के इंदराज से मुतालिक अहमियत को उजागर किया जा सके और आइंदा आने वाले इंतखाबात में अपने भरपूर शिरकत को यकीनी बनाए। वोटर के इंतखाबात में भरपूर शमूलियत इस बात का सबूत होगा कि लोगों ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से किए गए इकदामात पर भरपूर एतमाद का इजहार किया है। लेकिन आप सब लोगों को मालूम है कि इस साल कोरोना की वबा की वजह से इलेक्शन कमीशन ने इस वोटर्स डे की तकरीबात को महदूद तौर पर मनाने का फैसला किया। इलेक्शन को साफ और शफाफ और गैर जानबदाराना और पुरअमन बनाने के लिए इलेक्शन एक 2017 के ज़रिए कुछ देरपा इकदाम किए गए हैं, जो बोगस वोटों समेत और दीगर बदनवानियों को रोकथाम में भी मुआवन और मददगार साबित होंगे, जो दर्जा झेल इकदाम हैं जो इलेक्शन कमीशन ने आज तक उठाए हुए हैं। कौमी शनाख्ती कार्ड को वोट के इंदराज और वोट डालने के लिए लाजमी करार दिया गया। वोटर्स की तस्वीर वाली इंतखाबी फहरिस्त में प्रिजाइडिंग अफसरान को पोलिंग के वक्त पर मुहैया करना इलेक्शन कमीशन ने यह भी फैसला किया है, ताकि बोगस वोट्स को रोका जा सके। तस्वीर वाली इंतखाबी फहरिस्तों पर वोटर से अंगूठे का निशान भी लेना लाजमी करार दिया गया, ताकि किसी को ये शक न हो कि ये वोट किसी और ने डाल दिया है। बैलेट पेपर के लिए मखसूस कागज़ जो इंपोर्ट किया गया था 2018 में इस्तेमाल करने का फैसला किया गया इलेक्शन के। इंतखाबी ज़ाबता अखलाक को सही और हकीकी मानों में लागू करना भी इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया कि ये अखलाकी ज़ाबते पर अमल हो। इंतखाबी अमल को बाकायदा और मौसर अंदाज में मॉनिटर करना ये भी इलेक्शन कमीशन ने आप लोगों ने 2018 में देखा होगा कि हर हलके पर मॉनिटरिंग टीम मुकर्रर की गई थी, जो पूरे इलेक्शन प्रोसेस को मॉनिटर कर रहे थे। पोलिंग स्टेशन को GIS सिस्टम से मुंसलिक कर दिया गया, ये भी इलेक्शन कमीशन के इकदाम में से एक अहम इकदाम है। इन इकदाम की वजह से आम इंतखाबात में डाले गए वोटों की शरह जो 2012 से पहले की शरह थी वो 31%, 100 में से 31 लोग हमारे वोट डाल रहे थे, लेकिन 2012 के बाद ये 2013 के इलेक्शन में 41% तक पहुंच गई और 2018 में इन कावशों की वजह से ये टर्न और जो है ये 45% तक पहुंच गई और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि ये 45% से हम 60% से भी ज़्यादा, ये हमारे स्ट्रेटेजिक गोल में है कि हम 60% से ज़्यादा परसेंटेज के वोट आइंदा इलेक्शन में वोटर्स जो हैं कास्ट कर लें। आम इंतखाबात 2018 के बाद इलेक्शन कमीशन ने वोटर्स के इंदराज को बढ़ाने के बीच चंद इकदाम किए हैं, जो आप लोगों को अक्सर को मालूम होगा कि ज़िली सतह पर वोटर एजुकेशन कमेटियों की तश्कील की गई है वोटर अवेयरनेस के लिए, वोटर एजुकेशन के लिए, जिन अजला में खवातीन वोटर्स की तादाद मर्द वोटर्स की नस्बत कम थी उन अजला में इलेक्शन कमीशन ने नादरा और NGOs के बाहमी इश्तराक से खसूसी मुहिम का आगाज़ भी किया हुआ है, जो सालों साल शुरू वो कंटिन्यूस है। इन इकदाम की वजह से 2018 के आम इंतखाबात में बलूचिस्तान के वोटर्स की तादाद 42,99,000 के लगभग थी और 2020 में जो अभी वोटर लिस्ट बलूचिस्तान प्रोविंस के तैयार की गई है उनकी वोटर्स की तादाद 48,00,000 है, जो कि 5,00,000 ये 2018 के इलेक्शन के बाद हमने वोटर्स की तादाद 5,00,000
بلوچستان کے پروونس میں بڑھا دی گئی. یہاں ضرورت اس امر کی ہے کہ سارے پاکستانی خاص کر نوجوان، خواتین، میڈیا والے معذور افراد اور اقلیتی برادری کے لوگ جوش و خروش سے آئندہ آنے والے انتخابات میں آزادانہ طور پر ووٹ کا ضرور استعمال کریں اور ملک کو جمہوری اور ترقی کی نئی راہوں پر گامزن کرنے کے لیے ایک الیکشن کمیشن کی بھی بھرپور تعاون کریں. میں ووٹر ڈے کے اس موقع پر تمام سول سوسائٹیز، آرگنائزیشنز، میڈیا اور این جی اوز کی، نادرا کی، الیکشن کمیشن کی اس کے ساتھ ان تعاون کا اور خدمات کا تذکرہ مناسب سمجھتا ہوں. الیکشن کمیشن آف پاکستان اسٹیک ہولڈرز کی کاوشوں کی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ آئندہ بھی الیکشن کمیشن کو اپنے اہداف حاصل کرنے میں ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کرتے رہیں گے. معزز خواتین و حضرات، اس موقع پر یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ملک میں آزادانہ، منصفانہ اور غیر جانبدارانہ انتخابات ہی ملکی ہم آہنگی اور استحکام کے لیے ضروری ہے، جن کے ذریعے ہم ایک مضبوط قوم بن کر ابھر سکتے ہیں. لہذا الیکشن کمیشن آف پاکستان کی پوری کوشش ہے کہ ملک میں شفاف انتخابات کے انعقاد کے لیے مختلف اقدامات اٹھائے جائیں، جن کی بدولت لوگوں کو انتخابات کی شفافیت بامانی اور واضح انداز میں نظر آئے. چنانچہ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں معاشرے کے تمام افراد بشمول منتخب عوامی نمائندے، سیاسی جماعتیں اور ان کے سرگرم ورکر، سول سوسائٹی، ذرائع ابلاغ، اسکالرز اور طلبات سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ الیکشن کمیشن کے ساتھ اس قومی اہمیت کے کام میں بھرپور ساتھ دیں، تاکہ اس نیک مقصد میں ہمیں کامیابی نصیب ہو اور ملک میں حقیقی جمہوری نظام کی طرف گامزن ہو اور مضبوط آئینی اور جمہوری ادارے اس ملک میں مؤثر انداز میں اپنا کام جاری اور ساری رکھ سکیں. میں آخر میں ایک بات یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ووٹرز کی پرچی کو ایک کاغذ نہ سمجھیں، اس کو ایک امانت سمجھیں جو حقدار کے پاس واپس کرنا ہوتا ہے. حقدار کو یہ ایک وکالت ہے، یہ پرچی جو حقدار کی وکالت کرتا ہے، یہ ایک سفارش ہے جو حقدار کی حق میں سفارش کرنی پڑی، اور یہ ایک گواہی ہے جو حقدار کی حق میں گواہی دینی پڑی ہوتی ہے، اور یہ آپ لوگوں نے، ہم سب نے اپنے ملک کے لیے، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے، اپنے بڑوں کے مستقبل کے، اپنے چھوٹوں کے مستقبل کے لیے یہ پرچی ضرور آئندہ الیکشن میں استعمال کرنے کی میری درخواست ہے. میں آپ سب مہمان گرامی کا مشکور ہوں کہ آپ نے قومی ووٹرز ڈے کے اس تقریب میں شرکت کی، اور امید کرتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کے پیغام کو اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور عزیز و اقارب تک بھی پہنچائیں گے. محمد جتوئی صاحب، ممبر الیکشن کمیشن آف پاکستان، جناب خٹک صاحب، پروونشل الیکشن کمیشن بلوچستان، میرے انتہائی قابل احترام سید سلطان بایزید صاحب، سابق پروونشل الیکشن کمیشن، فیاض حسین مراد صاحب، جوائنٹ الیکشن کمیشن بلوچستان، اس عالم تشریف فرما خواتین و حضرات، میں سب سے پہلے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو 7 دسمبر کا جو ووٹر ڈے ہے، میں اپنے بیاف پہ، سول سوسائٹی کی بیاف پہ میں بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. اس امید کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ وبا ہے اس کو ختم کریں گے. نیکسٹ جب ہم اس ووٹر ڈے پہ ملیں گے تو ایک محدود طریقے سے نہیں، ان شاء اللہ لارجر اس میں ہم ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو سیلیبریٹ کریں گے. بات ہو رہی ہے ووٹ کی اہمیت کے حوالے سے، سول سوسائٹی کا جو رول ہے، کردار ہے، اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ اپنی مختصر بات کرنی ہے. میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے انوائٹ کیا. ووٹ بقول خٹک صاحب کی ایک پرچی نہیں ہے، اس کی بہت بڑی طاقت ہے. اگر اس کی اہمیت کو ہم دیکھیں تو یہ آج آپ کے جتنے بھی سینیٹ آف پاکستان میں، قومی اسمبلی میں، صوبہ اسمبلیز میں، ایون کے لوکل باڈیز میں جتنے بھی آپ کے ریپریزنٹیٹیوز آپ کی نمائندگی کر رہے ہیں،
इस एक वोट की ताकत की वजह से हैं। आज अगर वज़ीर आज़म साहब तशरीफ़ रखते हैं अपनी सीट पे, तो ये आप ई की वोट से हैं, आप ई की वोट ताकत से हैं। बात जमहूरियत के करते हैं, मजबूत जमहूरियत के करते हैं, मुस्तकम जमहूरियत की बात करते हैं, तो बात आ जाती है जमहूर पे। जब जमहूर की बात करते हैं तो बात जमहूर से अवाम है, अवाम में मर्द और ख़वातीन दोनों शामिल होती हैं। सितम ज़रीफ़ी हैं, अलमिया ये है हमारे थोड़े से मुल्क का कि जो अवाम के आधे से ज़्यादा पापुलेशन जो ख़वातीन हैं वो उसमें बहुत ज़्यादा नज़रअंदाज हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो 2017 का एक्ट है उसमें वाज़ह तौर पर कहा गया है कि अगर जिन जिन हलकों में ख़वातीन वोटर्स की टर्न आउट अगर 10% से कम हो दोबारा वहाँ पर रीपोल हो जाएगा जी। और इसकी मिसाल अपर दीर में 2018 के इलेक्शन में सामने आया। ये एक्ट में मौजूद हैं लेकिन इसके बावजूद हम अपने ख़वातीन को उनकी मर्ज़ी से अपने वोट कास्ट करने की कभी हमने इजाज़त नहीं दी। सिविल सोसाइटी या हम, मैं बज़ात खुद अपने आप को अभी वॉलंटियर किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ। पिछले 20 सालों से जो भी होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, हम इनके साथ हैं। अभी भी हम, मैं ऐलान करता हूँ वॉलंटियर डिस्ट्रिक्ट की सतह पर हमारा आउटरीच है, सूबे की सतह पर हमारा आउटरीच है। जो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का वोटर रजिस्ट्रेशन के हवाले से हैं, इनका बहुत एक अच्छा इनिशिएटिव डीवेक फोरम से हुआ, वो बहुत बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, उसको कंटिन्यू करना चाहिए। जो डिस्ट्रिक्ट की सतह पर जिस सोसाइटी के आउटरीच हैं उस हवाले से वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर सकते हैं। जहाँ तक सहर ऑर्गेनाइजेशन की बात है, आज भी मैं आपको बताऊं इस वक्त हमारी एक ट्रेनिंग जारी हो रही है शी लीड्स के हवाले से हैं, जिसका बुनियादी मकसद हम उन ख्वातीन को ट्रेनिंग करवाने से, वो के करीब क्वेटा की ख्वातीन को ट्रेनिंग करवा रहे हैं जो आगे जाकर मजीद पर हेड 5 ख्वातीन को डेमोक्रेसी और वोट की अहमियत के हवाले से मज़ीद वो अपने अपने हलकों में बताएंगे। तो इस वक्त भी सर ऑर्गेनाइजेशन के पास प्रोजेक्ट शीलीड के नाम से और हमारा इस वक्त भी ट्रेनिंग जारी उसारी है। इस हवाले से हमारा सिस्टम जो है ना वो जारी उसारी है, जो काम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है वो सिविल स्टेटिक है। हम एक दूसरे से दूर नहीं हैं, हम एक दूसरे के साथ लाजिम मजलूम हो गए हैं। जो काम हम कर रहे हैं वो इलेक्शन कमीशन का, जो इलेक्शन कमीशन का कर रहे हैं वो हमारा ही काम होता है। हम उनके साथ हर वक्त हर जगह हर फोरम पे उनके साथ चलने के लिए तैयार हैं। सीएनआरसी के ऊपर भी सिविल सोसाइटी बहुत ज़्यादा काम कर रही है। इस वक्त भी जो मैं कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ प्रोजेक्ट को, सीएनआरसी रजिस्ट्रेशन ऑफ वुमेन, इस वक्त बलूचिस्तान में और ख़ासकर कोयटा के अंदर हम 7,000 ख़वातीन का टारगेट बनाया है, जिसको हम इंशाल्लाह ताला फ्रेश सीएनआरसी के हवाले से, इस सिलसिले में मेरी फयाज़ हुसैन मुराद साहब से मुलाकात हुई थी। जनाब शाह महमूद जतोई साहब, ऑनरेबल मेंबर इलेक्शन कमीशन, मोहम्मद राजिक साहब पीसी बलूचिस्तान कोयटा, फयाज़ हुसैन मुराद साहब जेपीसी बलूचिस्तान कोयटा, मेरे मोहतरम डायरेक्टर साहबान, डिप्टी डायरेक्टर साहबान और इशफाक मंगल साहब, दीगर मेरे ख़वातीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने तजुर्बे के बेस पर कह सकता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ने काफ़ी ठोस इकदाम किए हैं इस सिलसिले में, जो वोटर्स के हवाले से, उनकी रजिस्ट्रेशन के हवाले से क्या कि, तो ये जो आज का दिन मना रहे हैं ये इस सिलसिले की कड़ी है। तो इलेक्शन कमीशन जिस तरह एफर्ट्स कर रही है, अभी राजीव साहब ने अपने डेटा में बताया कि इतने अचीवमेंट हमारी हुई है, लेकिन इसके बावजूद मैं जानता हूँ, मुझे महसूस करता हूँ, जनरल पब्लिक भी महसूस कर रही है कि उतनी अचीवमेंट जो हुई है इसके बावजूद इनको पज़ीराई आवाम को नहीं मिल सकी जो मिलना चाहिए था। इसकी मेन वजह जो हमने अपने एक्सपीरियंस के बिना पर क्या किया था, कि तालीम की जो लेक ऑफ एजुकेशन है, तालीम की कमी है। दूसरी जो मेन वजह हमारे दही इलाके हैं, हमारी पॉपुलेशन जो है सेक्रेटरी बहुत दूर दराज इलाकों तक फैली हुई है। हमारी पहुंच सिर्फ जो रूरल अर्बन एरिया तक है, रूरल एरिया को हम हमेशा इग्नोर करते हैं, जिसकी वजह से हम इफ़ेक्ट करते हैं और ख़वातीन की रजिस्ट्रेशन है वो भी इफ़ेक्ट कर रही है इस वजह से। तो इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन ने बहुत अच्छे इकदाम किए हैं। इनका जो रजिस्ट्रेशन के लिए जो कमेटी है डिस्ट्रिक्ट की सतह पर,
वो भी माशाल्लाह काम कर रहे हैं बहुत अच्छी अंदाज में, उन्होंने अचीवमेंट ले लिया है जितना भी मीटिंग वो करते हैं लोगों के साथ क्या करते हैं, लेकिन जो पॉपुलेशन क्या में दही इलाकों में उन तक उनकी पहुंच अब भी नहीं है मेरे ख्याल में, तो उस सिलसिले में उनको मज़ीद कोशिश करनी चाहिए और इंशाल्लाह इस तरह से अगर कोशिशें इनकी जारी रहें तो ये इंशाल्लाह अपने जो टारगेट्स हैं जो गोल्स हैं उनको बहुत जल्दी अचीव करेंगे और उनको ये कामयाबी उनको मिलेगी। दूसरा ये कि राजिक साहब खुशनसीब पीसी हैं कि उनको एक अच्छा टीम मिला है, फयाज़ हुसैन मराज साहब हैं, अपने वसीम साहब हैं और डायरेक्टर साहबान एंड डिप्टी डायरेक्टर साहबान सब मेहनती हैं माशाल्लाह, इनकी मेहनत और क्या की वजह से मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह ताला इलेक्शन कमीशन को मज़ीद तरक्की मिलेगी और इलेक्शन कमीशन अपने जो टारगेट्स हैं जो गोल्स हैं उनको बहुत जल्द अचीव कर लेगी। बाकी 2016 में जैसे कि सब दोस्तों को मालूम है ये क्या शुरू किया गया था कि जो ऑफिसर्स मेहनत करते हैं जो स्टाफ मेहनत करते हैं उनको अवार्ड दिया जाता था कि एक सनद बेशक दे दें ना पैसे दे दें ना कुछ भी दे दें उनके हौसला अफजाई हो गए, लेकिन इसको मेरे ख्याल में डिसकंटिन्यू किया गया। मेरे मेंबर साहब से गुजारिश है कि इलेक्शन कमीशन में इस सिलसिले में वो बात उठा लें ताकि अभी इंडिया है बांग्लादेश है उन इलाकों में हमने देखा है आप देखें इनको कि वो अपने जो ऑफिसर्स हैं उनको वोटर्स डे के हवाले से या इस ऐसे मौके पर उनको अवार्ड दे देते हैं उनको एक सर्टिफिकेट दे देते हैं। यहाँ पर बहुत बड़े फील्ड है आपके जो अभी बताया राजिक साहब ने कि न सिर्फ रजिस्ट्रेशन के हवाले से बल्कि वो खवातीन को मोटिवेट करना है, फिर पोलिंग स्कीम बनानी है, कोई और काम करना है इलेक्शन कमीशन के हवाले से, इन सब फील्ड में हमारे पास माहरीन मौजूद हैं, हमारे पास अच्छे टैलेंटेड बंदे मौजूद हैं, वो अपनी कोशिशें कर रहे हैं, तो क्या वजह है कि उनको कोई सर्टिफिकेट तक नहीं दी जाती है वोटर्स डे के मुनासबत से। वोटर डे के मुनासबत जैसे 23 मार्च होती है आप देखते हैं कि लोगों को मुख्तलिफ शुबा से अवार्ड दिया जाता है, उनको नवाजा जाता है, उनकी हौसला अफजाई की जाती है, तो इस तरह से इलेक्शन कमीशन के भी अफसरान और अहलकारान की हौसला अफजाई की जाए मेरे ख्याल में तो इसके बहुत अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट निकले हो। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आप लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, पहले से ही वार्निंग हुआ था कि ज़्यादा बात ना करें, तो इसलिए मैं आप सबसे इजाज़त चाहूँगा, आप सबका शुक्रिया अदा करूँगा कि आप लोग तशरीफ़ ले आए और हमें क्या किया। और एक और मैं अर्ज़ करूं कि वोटर्स डे का जो पहला प्रोग्राम था 2016 दिसंबर में मैंने ही शुरू किया था बलूचिस्तान में, इस वजह से मुझे बड़ी खुशी होती है और हर साल मुझे ये मधु करते हैं तो मैं दिलो जान से यहाँ आता हूँ, क्योंकि मैं अभी तक इसका अभी एक दोस्त ने पूछा था अब क्या करते हैं आप आते हैं यहाँ पर इलेक्शन कमीशन, मैंने बोला भाई मैं नमक किसका खाता हूँ, अब भी पेंशन की सूरत में इसका नमक खा रहा हूँ, तो जाहिर है कि आना पड़ता है मुझे और यहाँ इनकी हौसला अफजाई करनी पड़ती है मुझे। सोशल बीइंग ए सोशल एक्टिविस्ट और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी काम किया है, बीइंग अ मेंबर ऑफ अपनी यूनियन काउंसिल में 2 दफ़ा इलेक्शन मैंने कंटेस्ट किया और ख़वातीन के साथ मेरी बहुत लैक रही और उनके मसाइल और ख़ास तौर पर जब मैंने इलेक्शन में हिस्सा लिया था तो उस वक्त मुझे बहुत महसूस हुआ कि ख़वातीन को वोट कास्ट करने के हवाले से या जमहूरियत में या हमारी सोसाइटी में हर लेवल पे मुआशी समाजी और सियासी हवाले से उनको शिरकत की बहुत ज़रूरत है और उनकी तालीम के हवाले से भी, तो औरत फाउंडेशन को मैंने दिलो जान से इसलिए ज्वाइन किया कि ये मेरा ऐसा लगता है कि जो मैंने 5-6 साल काम छोड़ा था उसके बाद ये मेरा आगे कंटिन्यू प्रोग्राम मेरा मनपसंद प्रोग्राम है। तो औरत फाउंडेशन जो है पहले मैं थोड़ा सा औरत फाउंडेशन के बारे बताती जाऊँ, 86 पे बनी थी, दो ख़वातीन और उनके साथ और बहुत सारी ख़वातीन थी, लेकिन मैडम एक थी निगार अहमद, दूसरी थी शहला ज़िया। तो पाकिस्तान की हिस्ट्री में ख़ासतौर पे वकला को उनकी केस स्टडी पढ़ाई जाती है कि किस तरह स्टेट के साथ स्टेट को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट के इकदाम को आगे ले जाने के लिए किस तरीके से अपने राइट्स के हवाले से, एक उन्होंने केस फाइल किया था वापडा के ख़िलाफ़ जब ट्रांसफार्मर जो होते थे रोड पे रखे जाते थे तो पब्लिक की सेफ्टी के लिए उन्होंने ये केस जीता था और आज भी स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है। तो ये कुछ उनके साथ और भी उनकी दोस्त ख़वातीन थी 8-10 का और उन्होंने ये ख़वातीन की राइट्स के लिए कि औरत फाउंडेशन जो है वो है औरत
पब्लिकेशन एंड सर्विस सॉरी औरत पब्लिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सर्विस फाउंडेशन के ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से उनके रिसर्च करने के बाद उनके जो जहाँ पे उनकी तरक्की हो सकती है उनके किस तरीके से तरक्की हो सकती है उनकी पब्लिकेशन के थ्रू उनको मोटिवेट किया जाए उनको मुतहरिक किया जाए ना सिर्फ ख़वातीन को और मर्दों को भी जो हमारी सोसाइटी का अहम हिस्सा है। तो अभी जो ये जो दिल दिल की आवाज़ पाकिस्तान जिंदाबाद तो तब होगा ना हम सिविल सोसाइटी के लोग हर कोई अपने हिस्से का काम करे चाहे हम किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के साथ बहुत आला दर्जे पे आले सीट पे बैठा हों या हम अपनी कोई नॉन गवर्नमेंट एफर्ट कर रहे हों मकसद दोनों का यही है कि एक खुशहाल सोसाइटी खुशहाल माशरे की तश्कील की जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान मुल्क में हमें अगर ख़वातीन के हवाले से बात करें तो हमें वोट कास्ट करने का हक बहुत पहले से मिल गया जैसे हमारे मर्दों को मिला वैसे साथ हमें भी मिल गया। फ़र्क सिर्फ इतना था कि जो हमारी दही आबादियां हैं या हमारे कुछ गांव सतह पे या कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पे तालीम की कमी है मर्दों में भी और औरतों में भी और शऊर की भी कमी है नहीं समझा जाता कि सियासी अमल में ख़वातीन का शमूलियत क्यों ज़रूरी है वहाँ पर उनको थोड़ा वोट कास्ट करने की मुश्किल पेश होती है जिसके लिए आप और हम सब हमारे गवर्नमेंट के इदारे और हमारे प्राइवेट इदारे उस सिलसिले में काम करते हैं। तो वोट कास्ट करने की जो बरेसगीर की बात करें या पाकिस्तान की बात कर लें यही इन्फॉर्मेशन इंडिया में भी दी जाती है मुसलमानों के हवाले से कि 1917 में जब भी अम्मा मौलाना शौकत अली जौहर और मौलाना मोहम्मद अली जौहर की जो वालदा थी उन्होंने पर्दे से परे जब खिताब फरमाया था तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में तो उससे उनकी बात सुनने के बाद पहला कॉन्सेप्ट ये टूटा कि हाँ खातून भी सियासत में के ऊपर बात कर सकती है और जहाँ मर्द जमा होते हैं वहाँ ख़वातीन भी जमा होकर अपने हकूक़ के लिए आवाज़ उठाते हैं। तो जिस सोसाइटी में मर्द और औरत एक दूसरे को जगह दें और उनके हकूक़ बेहतर तरीके से अंजाम हो वो एक खुशहाल सोसाइटी होती जो हमारे बच्चों के लिए हमारे बूढ़ों के लिए और हम दुनिया में अपनी इज़्ज़त कमा सकते। तो ये तो 1917 की बात होगी। उसके बाद पाकिस्तान ने बींग अ ट्रीटी 79 में 189 मुल्कों के साथ एक सीडॉ के नाम से ट्रीटी साइन किया था जिसके अंदर अगर मैं बात करती हूँ क्योंकि मेरा फोकस जो है वो सियासी अमल में ख़वातीन की शमूलियत के हवाले से है तो बींग अ ट्रीटी हम पे फ़र्ज़ बनता है इंडिविजुअल पे भी और इदारों पे भी कि हम अपने ख़वातीन को मर्दों के बराबर हर हल्के में वोट कास्ट करने का हक दें। तो वो भी चीज़ होगी। तो औरत फाउंडेशन जब अभी 86 के बाद से उसने बहुत सारे दूसरे औरतों के मसाइल पे काम किया तो उसके साथ जो मेन फोकस रहा है कि हमारी सोसाइटी में जो भी मसाइल हैं उनको पॉलिटिसाइज्ड किया जाए और असम्बलीज तक पहुंचा जाए उनकी कानून साजी करवाई जाए फिर हम पब्लिक को उसमें मर्द हों ख़वातीन हों वो इससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो 2001 से जब 33% सीट्स ख़वातीन को ऐलान कर दिया गया उसके बाद औरत फाउंडेशन ने अपनी एक मुहिम के हवाले से जो CCRWR है के सिटीज़न कैंपेन फॉर वुमेन राइट्स के हवाले से बहुत सारी कमेटीज़ बनाई और हर डिस्ट्रिक्ट में बलूचिस्तान के बनाई और ये कोशिश की गई पहली दफ़ा 2001 में कि ख़वातीन 33% सीट्स पे अपने सर लेकर पहुँच जाएँ ताकि विजिबिलिटी ख़वातीन की हो। उसके बाद जो 2005 और 2008 के बाद जो औरत फाउंडेशन ने उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग का काम किया दूसरा फेज़ जब इलेक्शन का आया था तो कहने का मतलब ये है कि वोटर डे है तो उसके हवाले से हम जो हमारी मुल्क की थोड़ी पिसी हुई आबादी है जो ख़वातीन हैं उनका हम जिक्र करें और इस सिलसिले में हमारी औरत फाउंडेशन ने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया और आज भी जिस प्रोग्राम को मैं लीड करती हूँ बलूचिस्तान में वो है जज्बा के नाम से जमहूरियत बाख्तियार औरत और जमहूरियत को बनाने में ख़वातीन का बहुत उसमें अमल दखल रहा है। तो इस तौर पे बेस लाइन करने के बाद कोटा के पांच यूनियन काउंसल्स हमने ली हैं सैंपल के तौर पे। वैसे तो औरत फाउंडेशन पूरे पाकिस्तान में 25 अज़ला में काम कर रही है इसी सिलसिले में बलूचिस्तान में 4 अज़ला लिए हैं 2 अज़ला जो केच और गवादर हैं वो साउथ एशिया पार्टनरशिप पाकिस्तान के साथ काम करते हैं और हम सिब्बी और कोयटा में काम कर रहे हैं औरत फाउंडेशन तो हम को पार्टनर हैं इसी सिलसिले में सियासी अमल में ख़वातीन की शमूलियत को बढ़ाने के सिलसिले में। तो अभी जो कोयटा की बात मैं करती हूँ कि वोटर एजुकेशन पे हमने काम किया और
जो हमारी 5 कम्युनिटीज़ हैं, हर कम्युनिटी में हमने 20 से 40 लोगों के ग्रुप्स बनाए और उनमें ये अहमियत, जैसे सर ने अभी फरमाया कि इसमें अवेयरनेस देने की बहुत ज़रूरत है। अवेयरनेस मर्दों को तो बहुत जल्द मिल जाती क्योंकि उनका बहुत बाहर का एक्सपोजर होता है, तो खवातीन जो घर बैठी होती हैं उनके हमें ग्रुप्स बनाने पड़ते हैं। उनको छोटी लेवल पर बात करने के बाद उनको ये समझाना पड़ता है कि वोट का इस्तेमाल पहले तो ज़रूरी क्यों है, फिर आपने वोट कैसे कास्ट करना है। तो उस सिलसिले में फिर उन्हें CNSE की भी ज़रूरत होती है। अब तो बहुत अच्छा एक कानून आ गया कि जैसे CNSE रजिस्टर्ड होता है तो वोट भी रजिस्टर्ड हो जाता है, लेकिन इससे जो पहले का गैप है, पिछले दिनों हमारी सर से बात हुई थी फ़याज़ साहब से, तो हमें जेंडर गैप का पता चला, जिसमें हम अपने अभी मार्च तक के जो हमारा वर्क प्लान है जज्बा के अंडर सिब्बी और कोयटार केच गवादर में, हमने हर यूनियन हर डिस्ट्रिक्ट में 5,000 फ्रेश खवातीन के CNSE रजिस्टर करवाने हैं। और अब तो थोड़ा आसान काम हो गया कि जिनके हम रजिस्टर करवाएंगे ऑटोमेटिक वोट का हिस्सा बन जाएंगे, लिस्ट में आ जाएगा, लेकिन इसके साथ हम वो भी देख रहे हैं कि जो इससे पहले खवातीन रजिस्टर्ड हुई हैं उनके उनको हमने वोट में रजिस्टर करना है। तो ये एक छोटा सा, मतलब जो आज का दिन है ये बहुत खुशी हुई कि गवर्नमेंट की सतह पर भी हम इस दिन की बहुत अहमियत को समझते हैं और मनाते हैं। और बाकी सर की बात की थोड़ी सिफारिशात पेश करूँगी कि बीइंग ए मेंबर ऑफ सिविल सोसाइटी, सिर्फ औरत फाउंडेशन नहीं, आप सब भी इसकी तायद करेंगे कि लोकल गवर्नमेंट का जो सिस्टम है उसे बहाल कर दिया जाए, क्योंकि लोगों को ज़रा जब जमहूरियत की बात करते हैं तो उसकी नर्सरी पे ज़्यादा काम करना पड़ता है, उसकी बेस बनाएं हम औरतों और मर्दों की बराबरी की सतह पे। हमारे इस प्रोग्राम में ट्रांस भी शामिल हैं, हमारे इस प्रोग्राम में PWD जो एक्टिव हैं, पोटेंशियल कैंडिडेट्स जो हारी हुई खवातीन हैं, क्योंकि हमारा माइंडसेट ऐसा है ना कि खातून को जनरल सीट्स पे हम खड़ा नहीं करते, उन्हें रिज़र्व सीट्स भी देते हैं और रिज़र्व सीट्स की औरतों को भी हमने साथ रखते हैं। तो सिफारिशात में ये आता है कि एक तो ये लोकल गवर्नमेंट सिस्टम जल्द अज़ जल्द बहाल किया जाए ताकि जमहूरियत की बुनियाद मजबूत हो। दूसरा, जो सर की बात आगे बढ़ाऊँगी कि वोटर डे पे आप वो पर्सनल पे ना दें, वो इदारे जो लंबे अरसे से इस कम्पेन में आपके साथ रहे हैं, मज़ीद उनको हौसला अफजाई के लिए एक छोटा सा पेपर कागज़ कोई छोटा सा इतना सा अवार्ड दिया जाए ताकि उनको देखते हुए दूसरे लोग तायद करें और काम करने की आगे से करें। और हाँ, और एक और गुजारिश करूंगी, सिविल सोसाइटी जितने भी हम बैठे हमें चाहिए हम एक बाहमी पार्टनरशिप के साथ गवर्नमेंट के जितने इदारे हैं उनके साथ मिलकर अपने प्रोग्राम को शेयर करें और उनके बड़ों के साथ हम उनसे मशवरे लें और ख़ासतौर पर जो सीनियर्स हैं उनको हम अपनी कमेटियों का हिस्सा बनाएँ ताकि वहाँ से अच्छे मशवरे हम लेकर आगे चल सकें। आज़ादाना मुनसिफाना गैर जानबदारा इंतखाब मुनक़द करता आ रहा है और साथ ही साथ इंतखाबी निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए, शफाफ बनाने के लिए मुख्तलिफ इकदामात भी करता आ रहा है। इस ज़मन में इलेक्शन कमीशन के उम्मीदवारों, इंतखाबी जमायतों और मुतलिका सिविल सोसाइटीज़ आर्गनाइजेशंस के साथ वक्तन फवक्तन मुशावरती इजलास भी मुनक़द करता आ रहा है और इनके मशवरों से मुस्तफीद होकर नए इंतखाबी कवानीन और इन कवानीन पर में इस्लाहात मुतारिफ़ करता आ रहा है। इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन ने उम्मीदवारों, इंतखाबी जमातों, मीडिया, हत्ता कि कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए भी इंतखाबी ज़ाब्ते इखलाक मुतारिफ करवा चुका है और साथ साथ इंतखाबी अमल की मॉनिटरिंग भी शुरू की है ताकि आज़ादाना, मुनसिफाना और शफाफ इंतखाबात इंतखाबी अमल को यकीनी बनाया जा सके। किसी भी इंतखाबी अमल के दौरान वोट की अफादियत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। बिलाशुबा शफाफ जमहूरी अमल ही आवाम के मुंतखब शुदा नुमाइंदों के ऐवानों में पहुँचाने का ज़रिया है और इलेक्शन कमीशन अपनी ज़िम्मेदारी से पूरी तरह आगाह है और ऐसे इकदाम को नाफिज करने के लिए अपने महदूद वसाइल के बावजूद पूरी तरह कोशां हैं। आम इंतखाबात में वोट डालने की शरह नस्बता कम है जिसमें इजाफे मुमकिन है। ज़रूरत इस अमर की है कि आवाम में वोट की अहमियत को उजागर किया जाए और इस चीज़ का एहसास दिलाया जाए कि वोट एक कौमी फरीज़ा है और इसके सही इस्तेमाल की जिम्मेदारी हर शहरी पर आयद होती है। इस तनाजर में इलेक्शन कमीशन ने हर साल 7 दिसंबर को कौमी वोट्स डे मनाने का फ़ैसला किया हुआ है ताकि अवाम को वोट की अहमियत से आगाह किया जा सके और इस जमहूरी अमल में कौम की शिरकत को यकीनी बनाया जा सके। ताहम इस साल
कोरोना की वजह से तकरीब महदूद की गई, उम्मीद है अगले साल तक ये वबा पाकिस्तान बल्कि पूरे दुनिया में अल्लाह के फजल करम से ख़त्म हो जाएगी और हम अपनी इस तकरीब को भरपूर वलवले और भरपूर जोश व खरोश के साथ मनाएंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपनी आइनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए कोशा है और इस अमल को शफाफियत के लिए हर किस्म के इकदाम कर रहा है। आखिर में मैं अपने तमाम मेहमानान गिरामी, जिसमें हमारे फार्मर पीसी साहब सैद सुल्तान बाजीज साहब, जनाब दाऊद साहब UNDP के, मोहतरम आसफा इशफाक साहिबा, इशफाक मेंगल साहब, मिस शाहिदा साहिबा, मोहतरमा यासीन साहिबा और मीडिया के तमाम नुमाइंदों का मशकूर हूँ जिन्होंने अपनी मसरूफियात से वक्त निकाल कर वोटर्स डे में शिरकत करके इस इवेंट को रौनक बख्शी और कौमी वोटर्स डे के को कामयाब बनाने के लिए अपनी जिम्मेदारियां पूरी की। ख़ास तौर पर सूबा इलेक्शन कमिश्नर जनाब राजिक खान साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ जिन्होंने इस इतनी खूबसूरत और मुख्तसर और पुरवकार तकरीब मुनक्कद की पाकिस्तान पैंदाबाद। आखिर में मैं शाह साहब के और मैडम यास्मीन साहिबा का, शाह साहब की मैं इस बात से इत्तफाक करता हूँ जो उन्होंने की कि लोगों के अपने स्टाफ के और स्पेशली NGOs के हौसला अफजाई के लिए कोई इस तरह के अवार्ड प्रोग्राम मुनक्कद करें, तो इसमें शाह साहब मैं आपके साथ ये कमिटमेंट करता हूँ कि मैं इस पर इंशाल्लाह नेक्स्ट में आपको पॉजिटिव इसका रिजल्ट मिलेगा। और जहाँ तक मैडम ने कहा कि लोकल गवर्नमेंट के हवाले से, तो उसमें मैं आपके आप लोगों के इसमें इलम ये लाऊँ कि इसमें हम पे कुछ आइनी प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि आइन में ये है कि आप डिलिमिटेशन हो या इलेक्शंस हो कौमी सूबाई या लोकल गवर्नमेंट को, आइन ये कहता है कि जब तक लास्ट सेंसेस ऑफिशियली पब्लिश ना हो हम इलेक्शन कमीशन कुछ भी नहीं कर सकता। और इस बारे में ये तमाम जिम्मेदारी हुकूमत पे है, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट पे है कि वो इन अपना जो लास्ट 2017 की लास्ट से उनको ऑफिशियली पब्लिश करे, उसके बाद हम इस बात के पाबंद होंगे कि हम विद इन 20 डेज, हालांकि जो भी इलेक्शन जहाँ पे भी किसी भी इदारे का, चाहे लोकल गवर्नमेंट हो या सूबाई या कौमी, तो 120 डेज के तहत हम पाबंद हैं कि हम इलेक्शन करवाएं। लेकिन हमारे लिए प्रॉब्लम जो है ना वो आइनी, हमारा अपना एक्ट भी यही कहता है कि जब तक के सेंसस लास्ट सेंसस जो है ना पब्लिश ना हो उस वक्त तक हम कोई इलेक्शन प्रोसेस नहीं कर सकते। इस सिलसिले में हमने प्राइम मिनिस्टर को, प्रेसिडेंट को, चेयरमैन सेनेट को और कौमी असम्बली के स्पीकर को, इवन हमने अभी 2-3 पहले हमने सेक्रेटरी पार्लिमानी अफेयर्स को और सेक्रेटरी लॉ को अपने ऑफिस बुलाया था, उनको डायरेक्शन दी कि जी आप इस मसले को हल करें, वरना ये तो फिर लोग हम पे उंगलियां उठा रहे हैं कि जी इलेक्शन कमीशन इलेक्शन नहीं करवा, हालांकि हम अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती से जिनका काम है वो पूरा नहीं कर रहे हैं, उसकी वजह से ये इलेक्शन जो है ना इसके सूबाई असम्बली के या अपना लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन पेंडिंग में, और इवन अदरवाइज आपका इसी बुनियाद पर जो लास्ट सेंसस पब्लिश नहीं हुए, आपका बलूचिस्तान का जो लोकल गवर्नमेंट है वो हाई कोर्ट से स्टे है, डिलिमिटेशन का जो प्रोसेस है वो स्टे है, लिहाजा उस स्टे की वजह से भी हम कोर्ट का आर्डर है, हम मजबूर हैं इस प्रोसेस को आगे नहीं बढ़ा सकते।